सो हेलो एंड वेलकम पीपल, दिस इज एंकर आंजनेय सराय और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। आज हम बात करने वाले हैं एक नई मूवी के रिव्यू के बारे में जिसका नाम है IB71, जो आज से कुछ दिन पहले ही रिलीज हुई थी। आज बात करने वाले हैं उस पूरी मूवी के बारे में। हमने कल ही उस पिक्चर को देखा, पिक्चर की स्टोरी क्या है पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। तो जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे IB71 जिसमें है विद्युत जामवाल, निहारिका रायजादा, विशाल जेठवा, अनुपम खेर, ऐसे बड़े नाम इसमें स्पाई एजेंट आईबी एजेंट के ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है। पूरी IB71 1971 के टाइम में बेस्ड एक एयरप्लेन हाईजैक जो कि आईबी इंडियन एजेंसी जो है स्पाई एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो वो कंडक्ट कराती है और ये पूरा का पूरा जो मिशन है उसको अंजाम देती है। हम बात कर IB71 में तो जिस हिसाब से पूरा का पूरा काम हुआ है उसमें IB71 की मूवी में, आपको बताना चाहूँ हर जगह सिर्फ और सिर्फ विद्युत जामवाल ही देखने को मिला है। मेन फोकस उन पर ही रहा है, बाकी जो मूवी के अन्य किरदार हैं जैसे कि अनुपम खेर हो गए, विशाल जेठवा हो गए, इन लोग ने भी काम बहुत ही अच्छा किया है। अनुपम खेर नो डाउट ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, काफ़ी अच्छा, काफ़ी छोटा रोल लेकिन काफ़ी इम्पैक्टफुल रोल रहा है अनुपम खेर का इसमें। और उनके अलावा विशाल जेठवा की तो बात करूँ तो मैं, उन्होंने टेररिस्ट का किरदार निभाया लेकिन मैंने पहला ऐसा टेररिस्ट देखा है जो कि शुरुआत से लेकर अंत तक डरा हुआ ही रहता है और लास्ट में जाके बेवकूफ़ बनता है कहीं ना कहीं, तो दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू सी। उसके अलावा हम बात करें तो शो की जो इस मूवी की स्टोरी लाइन रही है काफ़ी स्लो रही है, एकदम बोर हो जाओगे एक टाइम पर आके। और जितना इसमें मिशन एक होना चाहिए, जितना एक एक्साइटमेंट एक सस्पेंस बना रहना चाहिए एक स्पाई थ्रिलर एजेंट बेस्ड मूवी के नाम पर, उतना दिखा नहीं, उतना नज़र नहीं आया। सिंस बिकॉज कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत डिलेड और बहुत ही स्लो चल रही थी तो इस वजह से उतना एक्साइटमेंट या फिर उतना ऑडियंस को पकड़ के नहीं रख पाई है, क्योंकि बहुत ही पेशेंस बना के रखना पड़ेगा आपको एक एक चीज़ पे। काफ़ी इंटेलेक्चुअल मूवी है, काफ़ी छोटी छोटी बारीकियों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं आपको ध्यान में आया कि एक्चुअली पूरा चल क्या रहा है, वो क्या रहा है स्टोरी में, आखिर और भी क्या चीज़ें आ रही हैं। तो दैट वॉज ऑल अबाउट IB71। बात करें अन्य किरदारों के बारे में तो विद्युत जामवाल वॉज फैबुलस इन द रोल ऑफ आईबी एजेंट, काफ़ी अच्छा रोल निभाया उन्होंने, पूरा का पूरा जो मिशन है काफ़ी अच्छे से एग्जीक्यूट किया उन्होंने और जो उनके वन लाइनर्स डायलॉग्स थे वो तो काफ़ी अच्छे रहे। एक्टिंग नो डाउट इट वॉज टॉप नॉच। बात करें विशाल जेठवा तो उतना मेरे को नहीं लगा, एसेंट भी थोड़ा फेक लग रहा था कहीं ना कहीं, और जिस हिसाब से एक टेररिस्ट की जो कैरेक्टर होते एक जो टेररिस्ट का कैरेक्टर होता है वो उतना समझ नहीं आ रहा था कहीं ना कहीं। ही वॉज लुकिंग लाइक अ डम पर्सन इन द कैरेक्टर, जो कि सूट नहीं कर रहा था अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर जो कि उनको दिया गया था, क्योंकि आई हैव नॉट सीन एनी टाइम कोई भी टेररिस्ट जो हो वो खुद ही डरा हुआ। और इवन स्टार्टिंग से नहीं, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक विशाल जेठवा जो थे पूरे सहमे हुए ही रहे और लास्ट में जाके जिस हिसाब के बेवकूफ़ बने हैं वो मूवी में, मतलब इट वॉज वो एक्सेप्ट करने लायक नहीं था। ऐसा लग रहा था यार ये जो खुद डरा हुआ है आदमी वो कोई प्लेन हाईजैक करके दूसरों को क्या ही डराएगा, तो वैसी काइंड ऑफ फीलिंग थी। बाकी जो बाकी के 30 एजेंट्स थे उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। निहारिका रायजादा की बात करें, निहारिका रायजादा ने बहुत ही कम बोला लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल कैरेक्टर था उनका। निहारिका ने शी वॉज द वन ऑफ द फीमेल एजेंट्स इन द इंटायर 29 एजेंट्स मेल स्टैंडिंग अलॉन्ग साइड हर। और बाकी शो की जो मूवी की स्टोरी लाइन है वो तो जैसे मैंने पहले ही बताया काफ़ी स्लो है, और उसके अलावा फ्रेम्स डायरेक्शन काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी रिलेटेबल लगेगा और इट्स गुड टू सी, यू कैन गो एंड सी। अगर लेकिन मैं आपको बोलूँ, अगर आपको स्पाई बेस्ड मूवी देखनी है, एजेंट बेस्ड मूवी देखनी है, तो एक बार आप रॉ देख लीजिएगा, एक बार आप वॉर देख लीजिएगा, या फिर एक बार आप पठान देख लीजिएगा, इवन एक था टाइगर या फिर टाइगर जिंदा है, यू हैव अ बेटर ऑप्शंस। सो उन सब के मुकाबले में ये थोड़ी सी कम लगी मुझे। एंड सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ आई लाइक टू रेट द मूवी तो मैं इसको रेट करना चाहूँगा 3 stars in 5, क्योंकि देर आर नॉट मेनी ऑप्शन। आई वॉन्ट टू सी, अगर मेरे को इंडिया पाकिस्तान देखना रहा तो बजरंगी भाईजान देख लूंगा, मैं एक बार गदर देख लूंगा, मेरे को ज़्यादा मजा आ जाएगा। बट IB71 इज नॉट एज पर द एक्सपेक्टेशन, वैसा कुछ मिला नहीं, वरना फॉर श्योर दिस वॉज अ वेरी गुड मूवी। आप जाइए देखिए, आपका क्या रिव्यू है वो हमें ज़रूर बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए कि आपको क्या लगा और हमारे रिव्यू कितना आपको सही लगा, कितने हद तक रिलेट कर पा रहे हैं आप मूवी देखने के बाद हमारे रिव्यू से, तो वो लिख के बताना हमें ना भूलें। और इसी तरह की और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को देखते रहने के लिए और सुनते रहने के लिए देखते रहिए बॉलीवुड हेल्पलाइन।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी ही और वीडियो को देखते रहने के लिए। थैंक यू, दिस वाज एंकर आंजनेय एस राय साइनिंग ऑफ।